बड़ी कोशिश की हमने सुधारा ना गया। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अभी आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली कैनवास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने कैनवास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। दोस्तों, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, सोलोना का रेसो सेलेक्ट कीजिए, क्रिएट वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको डाउनलोड में चले जाना है। सिंपली एक टू बैकग्राउंड इमेज ले लेना है, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब इसे स्क्रॉल करके आप जितना टाइम का बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिए। फिर स्टार्टिंग में जाएगा, स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्रेम वाला पीएनजी मैंने आपको दिया है, उसे आपको सिंपली ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला पीएनजी है, इसके भी लेंथ को आपको स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनेबल कर देना है। ग्रीन सेलेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक ही यहाँ से ये हट जाएगा। अब इसे आप इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे भी रखना चाहते हैं सेंटर में रख लीजिए। फिर स्टार्टिंग में आइएगा। अब यहाँ पे आपको एक इमेज की जरूरत होगी, तो लेयर पर टाइप कीजिए, मीडियम जाइए। मीडियम जाने के बाद जिस भी फाइल में आपका इमेज होगा उस फाइल को सिंपली ओपन कर लेना है। तो चलिए, तब तक के लिए मैं यहीं से एक तो इमेज को रख लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाली इमेज को रख लेते हैं। फिर यहाँ पे आगे करके और थोड़ा छोटा करते हैं। फिर इस फ्रेम के बराबर में इस तरह से रखेंगे और फ्रेम के अंदर में एकदम फिट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे यहाँ पे। और देख लीजिएगा आगे पीछे कहीं पे कट तो नहीं रहा। अगर कट रहा होगा तो क्रॉपिंग में जाकर इसे आप इस तरह से क्रॉप कर दीजिएगा, देन यहाँ से बैक आ जाइएगा। आने के बाद फ्रेंड्स, इसके भी लेंथ को आपको लास्ट तक कर देना है। इस तरह से कर लीजिएगा। करने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में स्क्रीन पर टाइप कीजिए, लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको एक पीएनजी मॉडल का जो पीएनजी है उसे लेना है। तो जो भी इमेज का आप पीएनजी लेना चाहें उसे ले सकते हैं। तो देख लेते हैं कोई सा भी एक अच्छा सा, मेरे पास काफ़ी सारे हैं। तो चलिए, मैं तब तक के लिए इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद फ्रेंड्स, इसके लेंथ को इस तरह से स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लीजिएगा, जितना टाइम का आप स्टेटस बना रहे हो उतना टाइम। और फिर इसे इस तरह से यहाँ पे एक बराबर में सेट कर लीजिएगा। तो ये सेंटर में इस तरह से सही लग रहा है, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सही लग रहा है। थोड़ा सा क्रॉपिंग में चलेंगे और इसके फेदर को इसका हल्का सा बढ़ा देंगे तो नीचे से कुछ इस तरह से शैडो टाइप का आ जाएगा, तो सही रहेगा। अब क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर टैप कीजिएगा। और टैप करने के बाद हल्का सा आगे जाइएगा और एक की लगा लीजिएगा, स्टार्टिंग में आइएगा और इसे खींच के एकदम रेड लाइन के साथ में इस तरह से आगे की तरफ इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। रेड लाइन देख लीजिएगा, रेड लाइन एकदम बीच में रहा है, इससे फायदा होगा कि एकदम सीधा से इस तरह से आएगा। अब जब यहाँ तक हो गया तो अब लास्ट में आ जाइएगा। लास्ट में आने के बाद फिर यहाँ पर की लगाइएगा, इस फ्रेम से थोड़ा दूर तक ही इसे रखिएगा। बस रेड लाइन यहाँ पे देख लीजिएगा कि साथ में रहे एकदम, तो ये सीधा रहेगा यहाँ पे, इस तरह से देख सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिएगा तो बैक आ जाएगा। लेयर्स पे टैप कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। सो ये डाउनलोड में जाने के बाद म्यूजिक प्लेयर बटन वाला जो ऑप्शन मिला है इसे ले लीजिएगा। देख लीजिएगा कितना टाइम है, तो ये काफ़ी बड़ा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे स्क्रॉल करके मिक्सर पर क्लिक कीजिए, इसका साउंड म्यूट कर दीजिए, देन यहाँ से बैक आइए। बैक करने के बाद आपको नीचे तो स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद इसे स्क्रीन करने के बाद इसे थोड़ा छोटा कीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पे जो ये फ्रेम आप लगाए, फ्रेम के ऊपर में एकदम बराबर से इस तरह से रख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा कि एकदम बराबर है ये इस तरह से, तो यहाँ पर थोड़ा सा और परफेक्ट। अभी ये देख सकते एकदम सेट हो गया यहाँ पर इस तरह से। एकदम अब सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे टाइप कीजिएगा, स्टैटिक में जाइएगा, लेयर्स पर क्लिक कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स, एक फोटो को जो आपको मिला है बोर्ड वाला उसे ले लीजिएगा। लेने के बाद इसे थोड़ा छोटा कीजिएगा और यहाँ पे रखिएगा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसे, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। और इसके भी लेंथ को लास्ट तक कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको क्या है, इसके स्टार्टिंग में आना है, की लगाना है। की लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसे इस तरह से आगे की तरफ लेकर आइएगा पूरा लास्ट तक। और लास्ट तक आने के बाद यहाँ पे प्लस कर लीजिए। करने के बाद फ्रेंड्स, इसे स्क्रॉल करके इस तरह से और पूरा ऊपर की तरफ कर दीजिएगा, बाहर तक ये चला जाएगा। तो अब जब ये प्ले होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा बॉर्ड, यहाँ पे देख सकते हो फ्लाई करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब स्टार्टिंग में एक लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद एक जो फ्लावर वाला पीएनजी बॉर्डर आपको मिला है उसे ले लीजिएगा। लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करके इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन यहाँ से इसका भी लेंथ को आपको लास्ट तक कर देना है। तो परफेक्ट, यहाँ पे देख सकते सारे एडिटिंग एकदम फिट लग रहा है यहाँ पे, इस तरह से काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब एक सॉन्ग की ज़रूरत है, आप चाहे तो कोई लिरिक्स वीडियो का भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑडियो पे क्लिक करते हैं, नीचे फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे
डाउनलोड पे है। चलिए फ्रेंड्स, मैं तब तक के लिए इसी सॉन्ग को ले लेता हूँ। एक कोई ये वाला सॉन्ग है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सॉन्ग को मैंने ले लिया। अब ये स्टार्टिंग में आकर लेयर्स पे टाइप करेंगे, मीडियम देंगे, मीडियम देने के बाद फिर से डाउनलोड में जाना। ऑफेंस एक पार्टिकल वीडियो, हार्ड वाला ग्रीन पार्टिकल वीडियो मैंने आपको दिया, उसे ले लीजिएगा। लेने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एस प्ले टू स्क्रीन पे क्लिक करके ऐसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन ऐसे बैक आइए, बैक आने नीचे तो स्क्रॉल कीजिए तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखिए, इस पर टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ से बैक आ। अब ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये ग्रीन है तो इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इजिली कर सकते हो। उसके लिए क्या कीजिए, एक को सेलेक्ट कीजिएगा, एडजस्टमेंट में जाइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको क्या मतलब, तो पहले इसका कलर आपको चेंज करना है तो जो भी कलर आप रखना चाहे उसे रख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं तो जो भी कलर रखना चाहे उसे रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से रख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी पे सेम कलर इफेक्ट आ जाए तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा तो सब पे इफेक्ट आ जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जितने चीज़ है, जितने मटेरियल है, सभी पे इफेक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल इमेज है उस पर भी इफेक्ट आ गया है। तो अगर आप चाहे तो मॉडल इमेज का इफेक्ट हटा सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर जाना होगा, जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट में जाना होगा, यहाँ पे आपको रीसेट कर देना होगा, इसका इफेक्ट हट जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट वाले का जो ये वाला है इसे भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे रीसेट कर देंगे, इसका भी इफेक्ट हट गया। अब यहाँ पे और जो भी मटेरियल सबका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट। अब आपको ऊपर जो कॉर्नर दिख रहा है इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको जिस भी क्वालिटी में रखना है रखिएगा और सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज मैं आपके लिए इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक पर ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आती होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।